दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बिजली कैसे बनती है? दोस्तों बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आज हमारी जिंदगी की अहम कड़ी बन चुकी है, जिसके बिना हमारा जीना पूरी तरह से दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि आज हम जिस मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बिजली से ही चार्ज होता है। आप जहाँ बैठे होंगे वहां पर चलने वाला पंखा भी बिजली से चलता है। यहाँ तक कि आप रात के अंधेरे में जिस रोशनी को देख पाते हैं वो भी बिजली के कारण ही मुमकिन हो पाती है। अब आप समझ गए होंगे कि बिजली हमें कितना कुछ देती है, और ये तो हमने फिर भी कम बताया। बिजली का महत्व हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि बिजली कैसे बनती है? हाँ हाँ, हमें पता है आप में से कई सारे लोग बोलेंगे बिजली कई तरीकों से बनती है, जो कि बिल्कुल सही भी है, पर इसका जो सबसे अहम स्रोत होता है वो है पानी से बनने वाली बिजली। तो आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा आखिर बिजली का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों बिजली का एकमात्र एक स्विच दबाने से ही हमारे घरों में लाइट जल जाती है, पंखे चलने लगते हैं, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कारण मुमकिन हो पाता है। हम आज साधारण जिंदगी इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। अगर ये ना होती तो हम इंसान इतनी तरक्की पर ना पहुंच पाते। और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन शहरों में इलेक्ट्रिसिटी दिन रात रहती है वहां पर विकास की दर उन शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जाने की संभावना रहती है। और जिन इलाकों में बिजली रहती ही नहीं है वो इतने पिछड़े होते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी इस तरह के बिना बिजली वाले गांव वगैरह के बारे में सुना होगा। हालांकि अब तो बिजली काफी जगह पहुंच गई है, लेकिन वहां पर भी बिजली मिलने की जो संख्या है वो बहुत कम है, और इसलिए इस तरह के इलाकों को पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। यानी कि अब आप समझ ही सकते हैं केवल बिजली का सप्लाई ये तय करता है कि कौन सा इलाका किस लेवल पर आता है। ऐसे में बिजली का कितना महत्व है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको ये जरूर बताएंगे आखिर हमारी जिंदगी की इतनी महत्वपूर्ण चीज बिजली बनती कैसे है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें बिजली का निर्माण करने के कई सारे तरीके हैं, फिर चाहे वो विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी, हम सभी तरीकों का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी तरीके हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में बिजली एक साथ उत्पन्न होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी इतने ज्यादा सोलर प्लांट नहीं लगे हैं और न ही हवा से बिजली पैदा करने वाले विंड टर्बाइन्स हर जगह मौजूद है। इसलिए आज अधिक से अधिक मात्रा में पानी की मदद से बिजली को तैयार किया जाता है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में शुरुआत में तो अच्छा खासा खर्चा लगता है, लेकिन जब एक बार ये पावर प्लांट लग जाता है तो इससे पैदा होने वाली बिजली की कॉस्ट काफी कम आती है। इस तरह के हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को बांध बनाकर आसानी से इकट्ठा किया जा सके, और फिर इन हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट में पानी को एक उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से लगे टर्बाइन की पंखुड़ियों पर गिराया जाता है ताकि टर्बाइन तेजी से घूमने लगे। दोस्तों जब टर्बाइन तेजी से घूमने लगता है तो उसमें लगा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वो चीजें आपके समझने के लिए सही नहीं है। अगर हम साफ शब्दों में कहें कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी छोटे से पंखे की मोटर को घुमाते हैं तो आप देखेंगे मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव तारों में एक्टिविटी क्रिएट होने लगती है। इस पंखे को आप जब तक घुमाते रहेंगे तब तक आप इसमें से छोटे से बल्ब को जोड़कर आसानी से जला सकते हैं। हालांकि जो ये चीज आप छोटे से पंखे के साथ कर रहे हैं इसलिए आप छोटे से बल्ब को जला सकते हैं, और जब ये चीज बड़े पैमाने पर होती है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से आप कुछ भी जला सकते हैं। और ठीक ऐसा ही आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देखने को मिलता है। जब पानी का फोर्स टर्बाइन के पंखों पर लगता है तो वो पंखे घूमने लगते हैं। अब पंखा जब घूमता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी मोटर से होते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि पानी से बिजली नहीं बनती है बल्कि पानी से लगने वाले फोर्स की मदद से बिजली बनती है। और ठीक ऐसा ही हर तरह की बिजली बनने के प्रोसेस में होता है, जहां पर जब सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है तो सूरज से निकलने वाली एनर्जी को सोलर पैनल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर देते हैं, और फिर उनमें कई सारी रिएक्शन होती है जिनसे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपके घरों तक बिजली आती है। और ऐसे आप विंड एनर्जी में भी ले लीजिए, क्योंकि जब हवा के चलने की वजह से जब विंड टर्बाइन्स का पंखा चलता है तो एनर्जी क्रिएट होती है जो मोटर के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और तब जाकर बिजली बनती है। बाकी जितने भी प्रोसेस है उसमें भी दोस्तों आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा।
जहां पर किसी भी प्रकार के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा सके। ऐसे में अब दोस्तों आपको बिजली बनने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस तरह हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली बनाई जाती है। बाकी हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का क्या महत्व है, क्या आप इसके बिना रह सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हम तो बिजली के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अरे दोस्तों, अगर बिजली नहीं रहेगी तो हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस कैसे लाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है, अपना जवाब कमेंट में देना। और हाँ, इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह की शानदार वीडियोस आपके लिए लाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।